हेलो स्टूडेंट्स, वेल मैं एक्चुअली आज पूरा दिन में बाहर था, तो मैंने सोचा शाम को आके मैं IBPS क्लर्क मेंस के बारे में बात करूंगा कि एग्जाम्स के बारे में। बट अभी जो मैं बात करने वाला, मुझे ज़रा भी अंदाजा नहीं था ऐसा कुछ टॉपिक पे मुझे बात करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। थोड़ी बहुत बात आप भी जानते हो कि कुछ स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि ऑब्वियसली ऐसे बहुत स्टूडेंट्स ने फेस किया है सिचुएशन। मैं पॉइंटर में बताता हूँ आपको। पहला कि लखनऊ सेंटर में कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ हलचल हुई है। देन कुछ लोगों ने कहा कि टाइमर डिडंट वर्क फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि टाइमर लास्ट के 15-20 मिनट में कुछ गायब हो गया, सो दे वर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन कि अभी कौन सा क्वेश्चन करूँ। क्योंकि लास्ट जब टाइमर ख़त्म होता है कोई भी सेक्शन, तो हम लोग काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो वो गायब। बायोमेट्रिक टेस्ट भी प्रॉपर नहीं था, कुछ लोग बैठे हैं एग्ज़ाम के लिए, कुछ लोग का हुआ ही नहीं है। देन किसी स्टूडेंट्स के पर्सनल इश्यूज हो गए कि PC स्टॉप हुआ, तो जाहिर सी बात है आप उनको बताओगे सो एंड सो थिंग इज हैपनिंग, उन्होंने किया रिपेयर किया, लेकिन एक चीज़ हुई इसमें, उनके 8-10 मिनट वेस्ट हुए। तो वो 8-10 मिनट भी उनके रुक जाने चाहिए वहीं पे ही। अब पेनल्टी अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट्स को ही पे करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होता है, ये जब मैंने मुद्दे देखे, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, बट आप लड़के हारो ना तो एक रहता है कि यार ठीक है, मेरा GA में नहीं हुआ, मैं डबल मेहनत करूँगा, काम करूँगा। बट इन तरीके से अगर हो तो स्टूडेंट्स मेंटली अफेक्ट हो जाता है। एक तो जॉब की इतनी मारामारी है कोई भी सेक्टर में, थोड़ा अच्छे वर्ड्स में कहूँ सिक्योर्ड जॉब की इतनी मारामारी है, इतने वैकेंसीज, लाखों एप्लीकेंट्स, प्री उड़ाओ फिर मेंस उड़ाओ, 1 अप्रैल में फाइनलिस्ट में इंतजार करो, कहना गलत नहीं होगा, डिपेंड होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे रहते हैं सालों साल प्रैक्टिस करते क्लर्क एग्जाम के लिए। यस, ऐसी कैटेगरी होती है, वो बाकी के एग्जाम जरूर देते हैं लेकिन वो क्लर्क के लिए ज्यादा डिपेंड रहते हैं ये सोच के, क्योंकि PO थोड़ा टफ गिरता है उनको, तो क्लर्क में बाजी मार जाए। आई एम वरिड कि उनको भी कैसा लग रहा होगा, ऑन व्हाट इज द बेसिस। एंड किसी ना किसी का तो ये लास्ट अटेम्प्ट होगा बिकॉज ऑफ एज इश्यूज, से 28 और समथिंग। तो खुदा ना खास्ता अगर वो सिलेक्ट नहीं होता है ऑन 1st of April, सो हाउ यू विल फील। एंड और एक चीज़ ये रिपीटेडली हो रहा है, सो आई सीरियसली थिंक के इसका एक कुछ सॉल्यूशन फुल प्रूफ निकालना चाहिए। स्टूडेंट्स सिर्फ चर्चा करेंगे तो कोई पॉइंट नहीं होगा, उसका कुछ निकालना चाहिए जो ये डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अब तो सबसे पहला डिसीजन ये होगा कि क्लर्क मेंस के बारे में क्या, अगर री एग्ज़ाम होता है तो उन स्टेट्स में क्या, या उन लोगों का क्या जिन्होंने एग्ज़ाम अच्छे से दिया है, जिनको कोई इशू नहीं हुआ, तो क्या एग्ज़ाम वो लोग स्टेट वाइज करेंगे, पहली बात करेंगे या नहीं करेंगे। सारे चीज़ें गुलदस्ते में हैं, उम्मीद रहेगी कि IBPS इस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सॉल्यूशन या कुछ ना कुछ जवाब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, अपने ऑफिशियल साइट पे कुछ PDF डाल के, कुछ 1-liner या 2-liner, कुछ ना कोई फॉर्मल मैसेज छोड़ दे। बिकॉज प्री उड़ाया है तो मेंस स्टूडेंट्स उड़ा सकते, क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि एक तो रीजनिंग का प्रिपरेशन करो, मैथ्स का प्रिपरेशन करो, DI कौन से टफ आएंगे, कौन सा स्किप करो, ये सब झमेले में अगर इन बातों पे स्टूडेंट्स फोकस करें तो यार मेंटली कोई भी अफेक्ट होगा। सो आई सीरियसली थिंक दिस इज द इश्यू टू बी हैंडल एज सून एज पॉसिबल। एंड ये रिपीटेडली क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बिकॉज स्टूडेंट्स के करियर डिपेंड है, कितने स्टूडेंट्स पर्टिकुलर एग्जाम के पीछे इतना लगते हैं, इतना दिल से मेहनत करते हैं, वीक पॉइंट्स पे इतना काम करते हैं, एंड दीज आर थिंग्स हैपनिंग। सो क्वाइट अनएक्सेप्टेबल। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है cgrs.ibps.in, वहाँ पे जाके आप बताओ आपके सेंटर में क्या प्रॉब्लम था।
स्टूडेंट्स ने पूछा था कि कंप्लेंट के लिए क्या रहता है, वहाँ पे जाके आप शायद स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो वो लिंक पे आप जाओ, अपना प्रॉब्लम जो रहेगा डिटेल में उनको बताओ, क्या सेंटर के थे, कहाँ से थे आप, क्या हुआ। तभी शॉर्ट में मत लिखना, प्रॉपरली लिखना, सो एंड सो थिंग हैपन एट माई प्लेस, जो भी आपका कम्युनिकेशन वो भी लिख सकते हो, प्रॉपरली लिखना, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच आई कैन गाइड यू, बिकॉज आई कैन नॉट टेल यू व्हाट IBPS विल टेक एग्जैक्ट एक्शन। एंड इसके अलावा आपको कुछ शेयर करना है तो आप मेरे ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, अगर आपने प्रॉब्लम फेस किया है, क्योंकि जिन्होंने प्रॉब्लम फेस नहीं किया उनको ये पता नहीं होगा, तो उन्होंने डेफिनेटली यहाँ वहाँ से पता लगा होगा उनको। सो बट दिस इज़ अ थिंग आई थिंक ये बार बार हो रहा है, शॉर्ट टाइम में हुआ है, तो उसका बेसिस पता नहीं चलता है स्टूडेंट्स को। सो इसका जल्दी सॉल्यूशन दे एंड एक प्रॉपर सॉल्यूशन आए फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल आई जस्ट हैव टू से।